हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय बैकपैक। एज यू ऑल नो, मेरी एमएससी खत्म हो चुकी है, तो आज मेरा हॉस्टल का लास्ट डे है। लास्ट डे भी नहीं है, लास्ट कुछ घंटे हैं। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ से 9-9:30 बजे निकल जाऊंगी। पूरी पैकिंग रात भर हो चुकी है, आप लोगों ने देख भी ली होगी, और हम लोग जा रही है हॉस्टल छोड़। तो चलो अब व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। गाइज, अभी ये जो मेरा सारा सामान है, ये रूम से जाएगा नीचे शिफ्ट, जिसमें करेंगे मेरे दोस्त मेरी मदद। मैं उन लोगों को बुला के अभी सामान को नीचे शिफ्ट कराती हूँ। पूरी तरह रेडी हो चुकी हूँ, चलो मेस में चलते हैं और हॉस्टल की आखिरी मील खाते हैं, जो कि सुबह के ब्रेकफास्ट बने हैं पराठे। तो चलो चलते हैं, बाकी चीज़ें आपको बाद में दिखाऊंगी। सो ये रहा कुछ मेस का ऐसा हाल, हमारे वाले का बैठे हैं। वो कर ही नहीं रहा है, तुम्हें से कह रही हूँ। सो दिस इज द लास्ट ब्रेकफास्ट ऑफ द हॉस्टल। क्या मैंने यही सोचा था कि यही सेंटेंस बोलेगी वर्ड्स में। गाइस ये देख लो, मैस का हमारे का आखिरी लुक। ये रहा मेरा रूम और हम कर रहे हैं, हम कर चुके हैं यहाँ से शिफ्ट। ये रहा कुछ ऐसा, ये बाकी सामान मेरे रूममेट का है, थोड़ा उजड़ा उजड़ा से छोड़ के जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, चलो चलते हैं यहाँ से। लग चुका है ईवन में ताला। ये रहा हमारा ओटीडी, चलो चलते हैं। ये रहे तैयार। ये फ्रेम हॉस्टल के अंदर आखिरी बार होगा। तो तुम सबको कैसा लग रहा है, जरा अपने रिव्यूज बता दो फटाफट, जल्दी भोगो, जल्दी आओ फ्रेम से भर। मुझे तो ऐसे घबराहट हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। तो चलो गाइस चलते हैं, लग रहा है हमें छोड़ने की। मिलते हैं गाइस, सी यू। ये देखो कितने सुंदर आ रहे हैं। हॉस्टल बस टाइम डाल दे 9:45 बस अंकल, ठीक है। बैक कैमरा है, टाइम नहीं दिया था। क्या था, कितना लेट आ रहा है, लेट आ रहा है। दिल्ली पहुंचने के बाद मेरा सामान शिफ्ट कराया। ये रहे मेरे कजिन्स और मेरा भाई, ये लोग मुझको शिफ्ट कराने आए थे। आप लोग बोलते हैं अपनी फैमिली को नहीं दिखाते, देख लो आप सब। उसके बाद हम सब ने खाया खाना, क्योंकि टॉप फ्लोर पे घर था, हम थक गए थे बहुत ज़्यादा। गाइस फाइनली मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ, अपनी नई प्लेस, नई जगह, नई जर्नी स्टार्ट करने। बट ये फ्लैट, मतलब ये जो भी घर है, ये इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है कि मैं थक चुकी हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। टॉप फ्लोर है, इतनी ज़्यादा गर्मी, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे को ऐसा हो रहा है कि बस यार, रात को 4 बजे सोई थी, सुबह 7 बजे उठ गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग तो मेरी जर्नी देख रही हैं, इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, सो गई थी। पूरे यहाँ इस घर की सफाई नहीं हो रही, इतनी गंदगी सब कुछ है। पहले सोचा पहले खा लेती हूँ, तो ये बस मैंने अपना आइसक्रीम और मैंगो शेक करके मंगाया। मैंगो शेक इतना अच्छा नहीं है जितना घर का होता है, पर कोई नहीं, सुकून भरा है, बढ़िया। अब तो आपको नए नए अपडेट दिखेंगे, बहुत मजा आएगा वीडियोस में। नहीं घंटे स्ट्रगल, ये भी खराब है, इसे भी ठीक करा। पूरे पूरे घर की सफाई कराई है मैंने, पूरे घर की। बहुत ज़्यादा गंदा करता है, बहुत ज़्यादा गंदा करता है। सारे में सफाई कराई, अभी भी सामान देखा कैसे पड़ा है। और दिन के बज रहे हैं 8:30-9 कम से कम। और मैं आपको ये बताना भूल गई, जब मैं हॉस्टल से आ रही थी, मैंने पैकिंग की, तो मेरे दोस्त मोनिका सोनम ने मुझे कुछ गिफ्ट दिया, तो मैं वो दिखाना जरूर चाहूंगी आप लोगों को। इसे अनपैक कर दिया था हॉस्टल में, बुनन दिया, और उन्होंने इस पे लिखा है, उठ जाया करियो टाइम से, लव यू अ लॉट, क्योंकि वो दोनों मुझे सुबह हॉस्टल में उठाते थे। इसके साथ इन्होंने दी कलाम क्लॉक, जो कि बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत बहुत, लेट मी शो यू।
ये रही वो प्यारी सी अलार्म क्लॉक जो रोज मुझे अब सुबह उठाएगी, क्योंकि वो दोनों तो होंगे नहीं उठाने के लिए। और उसके साथ उन दोनों ने दिया एक क्यूट सा की रिंग। मुझे बहुत बढ़िया लगती है सब चीजें। गाइस नया घर है, कुछ भी नहीं है, तो सोच रही हूँ आज थोड़ी सी ग्रोसरी लेने चली जाती। तो चलो जल्दी से अब शॉपिंग वगैरह करने चलते हैं। अभी मुझे कूलर देखने जाना, फ्रिज देखने जाना है, तो लेट्स गो। ये ज्यादा धूप में घूम के कोई शॉप नहीं मिली जो रेंट पर भी जो कूलर दे, तो चलो पी लेते हैं गन्ने का जूस पहले। विशाल मेगा मार्ट आई थी, ये सब स्टफ ले लिया है और ले रही हूँ। अब देखो पैसों की कमी देखो कैसे होती है। मैंने सोचा कि ये लेते हैं अमीरी, पर ये 40 रुपए का था, तो मैंने सोचा चलो फिर कभी ले लेंगे, पहले 10 वाले पे आ जाते हैं, तो शायद 5-10 रुपए का। हाँ ये 10 रुपए का था, ले लेते हैं। ये 10 के 2 ले लिए, ये लोहे वाला और एक ये। चलो और देखते हैं यार, ये चाहिए नहीं, ये चीज़ें हैं मेरे पास। ऐसे मन तो ये सब चीज़ें लेने का कर रहा है, बट हम अपनी सस्ती चीज़ पे आ जाते हैं। ये है 20 रुपीज़ का फ्लिप सेट्स। आई नीड अ पोचा। पोचा तो है ही नहीं मेरे पास यार, ये पोचे भी कितने महंगे थे। ये क्या चीज़ है भाई, ले चलो कहीं फ्री का दिख रहा है मुझे तो देखने में। पोचा देखते हैं, पोचा कितने का है। हे रब्बा 50 रुपए का पोचा, 10-20 रुपए का नहीं आता क्या यार। मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे कढ़ाई लेनी चाहिए या नहीं। अभी मैं ये ले चुकी हूँ, टेंडम का लिया है। मन तो प्रेस्टीज का था, बट प्रेस्टीज का काफ़ी महंगा है, और ये पीछे से विशाल वाले बोले जा रहे हैं इग्नोर दैट। तवा लूँ या नहीं, पर रोटी तो मैं बनाऊँगी नहीं। ये लूँ या नहीं, ये लूँ या नहीं, पर पैसे नहीं है इसलिए लिमिटेड चीज़ ही लूँगी इस बार। तो ये ज़रूर ले लेती हूँ, चॉपिंग बोर्ड ये वाला ही ले लेती हूँ। ये प्यारा सा लग रहा है, क्लासेस है। कितने का है ये, प्राइस देखो उसका, प्राइस इसका 99। ठीक है, ये कितना ज़्यादा क्यूट है, ऐसा लग रहा है बहुत भारी, बट ये बिल्कुल भारी नहीं है बिल्कुल। इसका क्या यूज़ होता होगा, अचार रखने के लिए। कितनी क्यूट है, छोटी सी कटोरी। किसी का प्राइस है 75 रुपीज़, लाइक सीरियसली। बहुत सा क्यूट है फ्लावर। सब ले चुकी हूँ मैं, और मेरा बिल बना है 1558 का। ऐसे निकल के आ रहा है, ले लो। आ गया हमारा बिल, और ये सब आया है इसमें। चलो अब हम बाहर चलेंगे तपती गर्मी में। मेरा बैग भर चुका है, चलो चलते हैं। सेट कर दिया पानी का, इससे इजी हो जाएगा। अब हमारे आ गए वाईफाई वाले भैया, अब यूट्यूबर हैं यार, तो वाईफाई की तो जरूरत है। वाईफाई लग रहा है, वाईफाई का प्राइस है 500 रुपये पर मंथ। आई नो आप सब पूछते हैं, तो इसलिए पहले ही बता दिया। हैथवे ब्रॉडबैंड करके कोई, ये लोकल वाईफाई है, वही लगा। एयरटेल वाले सर्विस का चार्जेस 1500-1600 ले रहे थे, एंड अभी एक एक हिसाब देख के चलना पड़ेगा भाई, नया घर है सारी चीज़ें हैं। माई फर्स्ट मील इन दिल्ली, मतलब जहाँ मैं नया शिफ्ट हुई हूँ वहाँ पे। देखो ये है दाल, एंड ये है आई थिंक आलू प्याज गाजर वगैरह जो मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। रोटी चावल, ये है मेरा खाना। ओके गाइज, लेट मी शो यू द करंट सिचुएशन ऑफ द हाउस। दिस इज द करंट सिचुएशन। ये देखो किचन में देखो क्या हाल हो रखा है। ये है करंट कुछ ऐसा हाल। अभी मैं करूँगी सब कुछ सेट, टाइम नहीं मिल रहा, बहुत हसलिंग हो रहा है सब कुछ। गाइज आपको बिगड़ा हुआ लुक तो दिखा देते हैं, तो मैं फाइनल साफ सुथरा लुक दिखा देती हूँ फिलहाल। हाँ मैं काम करते हुए नहीं दिखा पाती थी। ये देखो किचन सेट, किचन के बर्तन साफ किए अभी मैंने, सब चीज़ें रिकॉर्ड करती, बट यार इतना ज़्यादा थक गई थी कि कर नहीं पाई। फिर कभी दिखा दूंगी, ये चीज़ें तो आप दिखती रहेंगी आपको डेली।